अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैंने, जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि आज मैं बना रही हूँ बिरयानी। बहुत टेस्टी सी है और बहुत ट्रेडिशनल भी है, लेकिन सबको ही बहुत पसंद है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि सबसे पुरानी डिश है, लेकिन सभी बहुत शौक से खाते हैं। इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं और वो वेरिएशंस भी सबको बहुत पसंद है, लेकिन जो बेसिक बिरयानी है ना, वो हर हाल में हमेशा ही जीतती है, जितनी भी वेरिएशंस आप कर लो उसमें। इधर चलें, अब मैं आपको बता दूं, इधर मैंने चिकन ले लिया है 750 ग्राम्स के अराउंड है, और प्याज मैंने 3 काट के रखी हैं, टमाटर भी मैंने जो है 4 निकाल के रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आप लोगों ने भी रख लेना है, ठीक है। उसके बाद, अच्छा, ज़्यादातर मुझे लेग पीस में ही बिरयानी पसंद है, तो मैंने ज़्यादातर लेग ही निकाल लिए सारे। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ऑयल शामिल करूँगी मैं इसमें 1 कप, ठीक है। उसमें मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी। प्याज जब तक हमारी ब्राउनिश होने लगेगी, पूरी तरीके से ब्राउन ना हुई हो, लाइट ब्राउन हुई हो, जब तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। आगे देखते रहिए वीडियो में, साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी कि क्या प्रोसेस है। मैं जो इधर आप लोग को रेसिपी बता रही हूँ, उसमें ख़ास बात यह है कि मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊँगी। बिरयानी कोई घंटों का काम नहीं होता, आधे घंटे में बिरयानी बन जाती है। उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेज करना है। अब आप देख सकते हैं, मैंने उधर प्याज चूल्हे पे रख दी है, और इधर मैंने टमाटर काट लिए, चावल को मैंने जो है भिगो दिया। इधर मैं क्या करूँगी, ये मैंने 2.5 कप चावल लिए हैं, 3 बार पानी में धोऊँगी, और उसके बाद मैं इसे भिगो के रख दूंगी। बासमती राइस मैंने इस्तेमाल किए हैं, आप अगर सेला इस्तेमाल करेंगे तो सेले को तो 1 घंटे से पहले भिगोना पड़ता है। अब आप ये देख सकते हैं, पिंकिश हो चुकी है प्याज। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, और उसे कलर चेंज होने तक भूनती रहूंगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो करेगा, क्योंकि वाकई में मैं जिस तरीके से बनाती हूँ, बहुत स्पीड में बनती है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए, तो इनको मैंने आधा घंटा ही भिगोना है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद अब पानी दूसरे चूल्हे पे रख चुकूँगी, ताकि हमारे उस साइड पे राइस भी बॉयल होते रहें। ये देख सकते हैं आप लोग, चिकन इस तरीके से हम लोग भून रहे हैं, और अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी 1 चम्मच। टमाटर जो मैंने काट के रखे थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, और इनको भी थोड़ा हम फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने 3 आलू काटे थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। आप चाहें तो अपने ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आलू अगर बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये बिरयानी मिक्स मसाला है, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैं अपना मसाला जो है बना के रखती हूँ हमेशा, तो अगर आप लोग इस मसाले की भी रेसिपी जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वरना आप लोग अगर चाहें तो रेडीमेड मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैंने 5 चम्मच मिक्स मसाले के ले लिए हैं, जो कि बिरयानी मिक्स मसाला था। पानी ले लिया है मैंने, चावल उबालने में रख रही हूँ। इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच नमक शामिल किया है, और उसके बाद मैं, जब ये बॉईल हो जाएगा पानी, तेज़पत्ता शामिल कर दिया है मैंने। इधर 3 तेज़पत्ते शामिल किए हैं। बॉईल जब हो जाएगा, तो बस हम सिंपली इसमें चावल शामिल कर देंगे। ये देखें आप, इस साइड पर हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है बिरयानी का, और इसमें जो है 1/2 कप पानी डालेंगे, और फिर थोड़ा सा इसे थिक होने के लिए छोड़ देंगे।
आपने भी इस तरीके से थोड़ा चमचा चलाते रहना है, और फिर जब आप देखेंगे तेल और मसाला अलग हो गया तब आधा कप आप पानी शामिल करें और फिर उसको थोड़ा थिक होने दें और फिर छोड़ दीजिए। ये देखें, ये थिकनेस होनी चाहिए बिरयानी मसाले की, ठीक है। और यहाँ पे ये पानी मेरा बॉईल हो चुका था, तो बासमती राइस का जो पानी भीगा हुआ होता है वो भी साथ ही डाल देना चाहिए, तो अच्छी खुशबू आती है चावल में। और ये देखें, एक चमचा भी ज़रूर मार दिया करें, वरना ये होता है एक साइड के चावल कच्चे रह जाते हैं और एक साइड के पक्के रह जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपने चमचा ज़रूर एक बार बस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऐसे चेक करेंगे, अभी देखें ये बिल्कुल डन हो चुके हैं चावल, ये देख सकते हैं आप लोग। और मैंने छान लिया चावलों को, पानी मैंने हटा दिया उनका, और ये मैं अब दम लगाने लगी हूँ बिरयानी को। बिरयानी का जो मसाला होता है वो नीचे की तह में लगता है, लेकिन उससे पहले आपने आधा कप इसमें तेल शामिल कर देना है, और उसके बाद जो मसाला हो वो डालेंगे, फिर एक तह लगाएंगे चावलों की, फिर बाकी जितना भी मसाला है सारा हम शामिल कर देंगे बिरयानी के चावलों में। उसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर से और चावल डाल देने हैं, और फिर अच्छे से, एक तो यहाँ पर रोशनी का बड़ा मसला हो गया था मेरे साथ, चलें जी अब देखें लाइट सही हो गई या नहीं हुई ये कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये मैंने पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, हरी मिर्चें मैंने 3 काटी बीच में से और वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और अब मैं जर्दी का रंग शामिल कर दूँगी। यही सब कुछ आपने भी करना है, इसी तरीके से फॉलो करेंगे अच्छी बिरयानी बनेगी और बिल्कुल ट्रेडिशनल टेस्ट आएगा, जो कि हमारा असल जायका है, ठीक है। और मैं मसाले की रेसिपी भी इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर अपलोड कर दूँगी कुछ ही दिनों में। तो इधर देखें आप, 10 मिनट लगे हैं दम लगने में, और ये दम आ चुका है चावलों को, बहुत ही अच्छा आया है। दिल तो मेरा बिल्कुल ऐसे खोलने का नहीं चाह रहा था, बिल्कुल तय उठाने का दिल था, लेकिन मैंने कहा चलो वीडियो में इस तरीके से दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगी व्यूवर्स को कि ऐसे खिले खिले चावल किस तरीके से पके। आपने चावलों को लाजमी चेक कर लेना है कि भाई हो गए हैं या नहीं हुए, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।